पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तो हमारा जो नया उम्मीदवार है उसका नाम शिव है और आज इसका पहला दिन है, लेकिन हम देखेंगे कि अगले 5 दिन तक ये साइकिल चला पाएगा या नहीं, वो भी बिना रुके, बिना सोए, बिना थके हुए। भाई, आपने इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया, हम तो इस गांव की मुखिया की अनुमति नहीं ली। चलो कुलकर्णी सरकार के पास सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। मैं क्या हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे से अनुमति लेता फिरूंगा? कौन है ये कुलकर्णी सरकार, मुझे क्या मतलब है उससे? अच्छा, जिस गांव में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है वहां के मुखिया को नहीं जानता तू? कुलकर्णी सरकार है यहाँ के मुखिया, यहाँ के अन्नदाता। ये गुंडागर्दी है। अच्छा चल चल। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अब पता चल गया। हाँ, लेकिन मेरी गलती क्या है? किसके अनुमति से तुमने शिव को साइकिल चलाने की अनुमति दी? शिव? हाँ, वही जो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, वही शिव। उस शिव ने अगर साइकिल चला भी ली तो क्या बड़ी बात है? जानता है, वो मेरा ऋणी है, उसे मेरा ऋण देना है। यदि उसने ये प्रतियोगिता जीतकर मेरे पैसे लौटा दिए तो सरकार उसका घर नहीं हड़प पाएंगे और उस फकीर से फिर से बुरी तरह से हार जाएंगे। अरे बस इतनी सी बात, आप बिना बात के चिंता कर रहे हैं तो वो कभी नहीं जीत पाएगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि 5 दिन लगातार साइकिल चलाना नामुमकिन काम है और यही तो हमारा धंधा है। लोगों को 1000 रुपए का लालच देकर बेवकूफ बनाते हैं जिससे कि वो हमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 50 रुपए दें, और 3 दिन से ज्यादा आज तक कोई नहीं टिका, और उस लड़के ने तो अपनी नई साइकिल गिरवी रखी है मेरे पास। जब वो हारेगा तो उसकी साइकिल भी मैं जब्त कर लूंगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।